चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। हेलो दोस्तों, न्यूज बाइट्स के आज के एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, आज से कुछ महीने पहले सेबी ने डेरिवेटिव ट्रेडिंग में टाइमिंग जो है, ट्रेडिंग आवर जो है, उसको इंक्रीज करने का प्रपोजल दिया था। और उसके बाद बहुत सारे लोगों के हमारे पास में क्वेश्चन आए कि सर, ये इंट्राडे का अगर टाइमिंग ज़्यादा हो जाएगा, रात को 12 बजे तक हो जाएगा, तो इससे हमें क्या फ़ायदा होगा या क्या नुकसान होगा। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हमारे सामने आ रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना इसके बारे में एक वीडियो बनाया जाए, जिसमें हम बात करें कि इससे किन लोगों को फ़ायदा होगा, किन लोगों को नुकसान होगा, या कोई नुकसान है भी या नहीं भी, या कोई फायदा है या नहीं है। तो आज के वीडियो में बात करेंगे ये डेरिवेटिव सेगमेंट के अंदर जो रात को 12 बजे तक का ट्रेडिंग का प्रपोजल है, जिसको एनएससी ने कह भी दिया है कि हम इसको अक्टूबर से स्टार्ट कर देंगे, इसमें आपके लिए फायदा छुपा है या नुकसान छुपा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करने से पहले एक बार आपको फिर याद करा दूं, हमारा मास्टर ट्रेडर जो प्रोग्राम है वो दिल्ली में 22 और 23 सितंबर को होने जा रहा है, जैसा आपकी स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, और बेंगलोर में 13 और 14 अक्टूबर को होने जा रहा है। ये हमारी वेबसाइट का लिंक है, आपकी स्क्रीन पे आ रही है, sunilminglani.com। इसके ऊपर जाकर आप केवल 5,000 रुपये देकर अपनी सीट को लॉक कर सकते हैं। आप इस साइट पे जब जाएंगे, यहाँ बुक माई सीट का ऑप्शन आएगा, उस पर जाकर आप अपनी सीट को बुक कर सकते हैं। अर्ली बर्ड डिस्काउंट जो है, इसके अंदर वो डेट्स भी लिखी हुई हैं जब तक आपको डिस्काउंट मिलेगा। और अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है, कोई क्वेरी है आपकी, स्क्रीन पे हेल्पलाइन नंबर आ रहे हैं, आप इन पे कॉल कर सकते हैं, हमें आपकी पूरी सहायता की जाएगी। तो जैसा कि आप जानते हैं, सेबी ने आज से 2 महीने पहले करीब ये बोला था कि हम डेरिवेटिव सेगमेंट में जो ट्रेडिंग आवर्स हैं इंट्राडे के अंदर, उसको इंक्रीज करना चाहते हैं। उसने एक्सचेंजेस को ये कहा था कि इसका फिजिबिलिटी जो टेस्ट है वो कीजिए, इसमें आपको क्या दिक्कत आ सकती है वो बताइए, और इसको जल्दी से जल्दी स्टार्ट कीजिए। तो एनएससी ने पिछले 1-2 वीक पहले, आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, आप देख सकते हैं, एनएससी ने डेरिवेटिव सेगमेंट में उसके लिए तैयारी शुरू कर दी है, और करीबन अक्टूबर से ये डेरिवेटिव सेगमेंट में रात को 12 बजे तक ट्रेडिंग होगी। हाँ जी दोस्तों, रात को 12 बजे तक। एनएससी ने जैसा बताया है वो ये बताया है कि 3:30 बजे कैश सेगमेंट जैसे क्लोज होता है वैसे ही क्लोज होगा, 5 बजे के बाद में दोबारा ट्रेडिंग शुरू होगी सिर्फ डेरिवेटिव सेगमेंट के अंदर, यानी फ्यूचर एंड ऑप्शन में, और वो ट्रेडिंग रात को करीब 12 बजे तक चलेगी। अभी एनएससी ने ये क्लियर नहीं किया है कि डेरिवेटिव सेगमेंट में खाली इंडेक्स ट्रेड होंगे या स्टॉक ट्रेड होंगे या ऑप्शन भी ट्रेड होगी, इसकी क्लैरिटी आनी अभी बाकी है। लेकिन हमारे पास में बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आए कि सर, अगर ये ट्रेडिंग आवर्स इंट्राडे के ज़्यादा हो जाते हैं, इससे हमको फ़ायदा होगा नुकसान होगा, या हम कैसे ट्रेडिंग करेंगे, सुबह 9:30 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक हमें स्क्रीन पे बैठना पड़ेगा। तो इस वीडियो में बात करेंगे कि इसका आपकी ट्रेडिंग के ऊपर क्या असर हो सकता है। सबसे पहले तो दोस्तों ये समझ लीजिए कि ये एक ना एक दिन होना ही था। मैंने अपने पहले भी एक वीडियो में कहा था कि पूरे वर्ल्ड में ऐसा होता है, इंडिया में अभी तक नहीं होता था, लेकिन जैसे जैसे पूरा वर्ल्ड एक साथ आएगा, इंडिया को भी कहीं ना कहीं उसमें जाना पड़ेगा। पूरे वर्ल्ड में जो डेरिवेटिव की ट्रेडिंग होती है वो लगभग पूरा दिन चलती है, रात को सिर्फ 4-5 घंटे जो है वो क्लोजिंग होती है, इसके अलावा वो चलती रहती है। US में भी ऐसा होता है, चाइना में भी ऐसा होता है, UK में भी होता है, हर जगह लगभग ऐसा होता है। तो इंडिया का ये जो कदम है,
सेबी का ये जो कदम है वो वर्ल्ड मार्केट से अपने को अलाइन करने के लिए है, और जैसे मैंने बताया ये एक ना एक दिन तो होना ही था। अब बात कर लेते हैं इसमें आपके फायदे और नुकसान के लिए क्या छुपा है। देखिए दोस्तों, कोई भी जब चीज होती है नई, उसमें किसी ना किसी ग्रुप को फायदा होता है, किसी ना किसी ग्रुप को नुकसान होता है। तो ये आपके देखने के ऊपर है कि आप कौन से ग्रुप में आते हैं और उसमें आपके लिए क्या छुपा है। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं, अगर 5:30 बजे के बाद या 5 बजे के बाद में ट्रेडिंग दोबारा शुरू होती है तो वो कैसे होगी। कैसे होगी का मतलब, आपको पता है 3:30 बजे फ्यूचर और कैश दोनों प्राइस क्लोज हो जाते हैं आज की डेट में, और उसके बाद अगले दिन सुबह 9 बजे खुलते हैं। तो अब होगा क्या, वो प्राइस 3:30 बजे क्लोज तो होंगे लेकिन 5 बजे फ्यूचर के जो प्राइस हैं, चाहे इंडेक्स हो चाहे स्टॉक्स हो, दोबारा ओपन हो जाएंगे और उनमें ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगी। कैश जो है वो बंद रहेगा, वो अगले दिन ही खुलेगा सुबह 9 बजे। अब फ्यूचर के अंदर हम क्या करेंगे, फ्यूचर के अंदर हम जैसे ट्रेडिंग करते हैं मार्केट में, लाइव मार्केट में वैसे ही ट्रेडिंग करेंगे। उसमें निफ्टी, बैंक निफ्टी और अगर NSE खोलती है तो जो स्टॉक फ्यूचर है वो भी शामिल होंगे। आप उनमें बाय या सेल कर सकते हैं रात को 12 बजे तक। बायर भी मौजूद होगा, सेलर भी मौजूद होगा, आप जब लेना चाहें ले, जब बेचना चाहें बेचें, आपको कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन उसकी रेफरेंस के लिए जो कैश प्राइस है वो अवेलेबल नहीं होगा, वो अवेलेबल होगा सुबह 9 बजे दोबारा। यानी आप डेरिवेटिव में जो भी ट्रेडिंग कर रहे हैं वो इस अंदाजे पे कर रहे हैं कि कल सुबह 9 बजे जब भाव खुलेंगे तो वो इसके नीचे होंगे, इसके ऊपर होंगे, इससे कहां पे अलाइन करेंगे। तो इसका मतलब ट्रेडिंग आपको ये सोच के करना होगा कि सुबह कैश के प्राइस क्या आपके इस फ्यूचर के प्राइस को जस्टिफाइड करेंगे या नहीं करेंगे। अब ये किया क्यों गया है, इसकी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। किया दोस्तों इसलिए गया है कि मार्केट हमारी क्लोज होने के बाद में US की मार्केट स्टार्ट होती है रात को, और वहाँ पर कई सारे इवेंट्स होते हैं, बहुत सारी न्यूज़ आती हैं। तो बहुत लोगों की इस तरह की कंप्लेंट थी, चाहे वो FIs हो चाहे बाहर के जो इन्वेस्टर हैं वो हो, कि हम इंडियन मार्केट में अपनी हेजिंग पोजीशन को खड़ा नहीं कर पाते हैं। कोई भी इस तरह की न्यूज़ आती है जो कि मार्केट पे इम्पैक्ट डालती है, उसके लिए हमें सुबह 9 बजे तक का इंतज़ार करना पड़ता है। कोई भी पोजीशन अपनी चेंज करने के लिए, बढ़ाने के लिए या घटाने के लिए सुबह 9 बजे ही। तो 3:30 बजे जब मार्केट क्लोज हो गई, लगभग पूरा दिन निकल जाता है, रात निकल जाती है, उस दौरान इस तेजी के वर्ल्ड में बहुत कुछ हो रहा है। तो इसलिए डेरिवेटिव जो है उनको स्टार्ट किया जाए, इसीलिए सेबी ने ये कदम उठाया है। अब इसके अंदर होगा क्या, जो रिटेल ट्रेडर हैं, छोटे ट्रेडर, मुझे लगता है सबसे ज़्यादा दिक्कत उनको आएगी। मैंने पहले भी अपने एक वीडियो में बताया था, जो ट्रेडिंग कम्युनिटी के लोग हैं, जो ज़्यादा ट्रेडिंग नहीं करते हैं, थोड़ा बहुत ट्रेडिंग करते हैं, 1 हफ्ते का ट्रेड लेते हैं, 2 हफ्ते का ट्रेड लेते हैं, उनको सबसे ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। क्योंकि अभी तो क्या होता है दोस्तों कि 3:30 बजे मार्केट क्लोज हुई, आपने सौदा बंद कर दिया, सुबह 9:30 बजे तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर आपका फ्यूचर का सौदा खड़ा हुआ है और बाय चांस कोई न्यूज़ ऐसी आ गई 6-7 बजे के बाद, तो आपको उस सौदे का ध्यान रखना पड़ेगा। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि मेरा वो सौदा जो पड़ा हुआ है उसमें कहीं मुझे M2M लॉस ना हो जाए। क्योंकि अगर कोई न्यूज़ ऐसी है उस स्टॉक पे इम्पैक्ट डाल रही है या इंडेक्स पे इम्पैक्ट डाल रही है, तो सुबह कैश मार्केट जो है वो गैप डाउन ही खुलेगी, ये तो पक्का है। तो उसमें होगा क्या कि आपको पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। फायदे की बात ये है, जो ट्रेडर जो है अपना थोड़ा ध्यान रख सकते हैं, जिनके पास टाइम है या जिनके पास सिर्फ यही काम है, वो मार्केट के अंदर अपने आप को चेंज कर पाएंगे, अपनी पोजीशन को थोड़ा बढ़ा पाएंगे या घटा पाएंगे, या न्यूज़ के हिसाब से कोई नई पोजीशन ले पाएंगे। तो दोनों तरह के लोगों के लिए कुछ ना कुछ छुपा हुआ है। और एक बात और, इससे जो इंट्राडे के, जो टिपिकल इंट्राडे के प्लेयर हैं, वो तो बहुत ही खुश होंगे, क्योंकि अभी तक उनको सिर्फ 5 घंटे मिलते थे काम करने के लिए, उनको सौदा 3:30 बजे काटना पड़ता था। अब वो फ्यूचर का सौदा काटने के लिए रात को 12 बजे तक का समय होगा उनके पास,
वो पूरी तरह से खेल सकते हैं। और वो मेरे कुछ दोस्त जो हैं जो जॉब करते थे, जो किसी बिजनेस में थे और स्क्रीन के आगे नहीं बैठते थे और ट्रेडिंग में ध्यान नहीं रख पाते थे, उनके लिए भी मौका मिल गया है कि रात को अपनी जॉब से आके शाम को 6, 6:30, 7 बजे दोबारा से ट्रेडिंग कर सकते हैं, देख सकते हैं मार्केट में क्या हो रहा है और अपना वो शौक जो है ट्रेडिंग का पूरा कर सकते हैं। तो कुल मिला के इसमें सबके लिए कुछ ना कुछ है, किसी को दिक्कत आएगी, किसी को अच्छा लगेगा, लेकिन जैसे मैंने बोला ये एक ना एक दिन होना ही था, अब हो रहा है। तो अब हम सब लोग देखेंगे कि आने वाले 6-8 महीने साल के अंदर ये चीज़ कैसे निकल के आती है, हमारे जो इंडियन जो ट्रेडर कम्युनिटी है इसको किस तरह से लेती है। लेकिन एक बात तो पक्की है कि F&O सेगमेंट के अंदर वॉलेटिलिटी काफ़ी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि क्या होगा जब कैश मार्केट में काम नहीं हो रहा तो बहुत सारे स्पेकुलेटर टाइप के लोग भी आ जाएंगे जो शाम को 5-6 बजे के बाद किसी को ऊपर लेके जाएंगे, किसी को नीचे लेकर आएंगे और सुबह 9:30 बजे से पहले आप देखेंगे वो स्टॉक या इंडेक्स वहीं आके खड़ा हो गया जहां वो 3:30 बजे बंद हुआ था। यानी पूरा दिन चक्कर काटते रहेंगे शाम को और सुबह वहीं आ जाएंगे। उस चक्कर काटने में कुछ लोगों का फायदा होगा, कुछ लोगों का नुकसान होगा। तो जैसे मैंने बोला वॉलेटिलिटी ये ऑफ पीरियड के अंदर जो इंक्रीज होगी उससे ट्रेडर्स को काफ़ी नुकसान हो सकता है। और मैंने एक बार पहले भी कहा था दोस्तों, बहुत सारे YouTube चैनल ऐसे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने मेरी बात से एग्री नहीं किया था उस समय, कि सेबी कहीं ना कहीं चाहती है जो रिटेल इन्वेस्टर है वो मार्केट में डेरिवेटिव सेगमेंट में काम ना करे, उसका ये इंटेंशन है। और ये जो कदम है कहीं ना कहीं उस चीज़ को आगे लेके जा रहा है। आप सोचिए दोस्तों, अगर आप ट्रेडिंग करते हैं F&O के अंदर, आपको कितना ध्यान रखना पड़ेगा अपनी उस पोजीशन का शाम को भी। यानी आप सुबह 9 बजे से चालू होंगे और रात को 12 बजे तक अपनी उस पोजीशन का आपको ध्यान रखना है, अगले दिन फिर सुबह 9 बजे चालू करना है। बहुत ही थका देने वाला काम है ये। और मुझे लगता है जो छोटे ट्रेडर हैं जो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, मुझे लगता है वो छोड़ देंगे ट्रेडिंग। छोड़ इसलिए देंगे क्योंकि वो जो हेडेक है, वो टेंशन है, मुझे लगता नहीं है हर आदमी उसको सह सकता है। एक सौदे का आपको 12 घंटे तक ध्यान रखना है, अगले दिन फिर सुबह देखना है उस सौदे को। इंट्राडे के जो टिपिकल प्लेयर हैं जिनको सौदा दिन में काट के जाना होता है उनके लिए तो फिर भी ठीक है, लेकिन जो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, 1 हफ्ते की ट्रेडिंग, 4 दिन की ट्रेडिंग, उनके लिए मुझे लगता है बहुत ही भारी काम होने वाला है और वो कहीं ना कहीं आने वाले दिन में मार्केट से बाहर हो जाएंगे। उससे वॉल्यूम में भी फर्क पड़ेगा डेरिवेटिव सेगमेंट के अंदर। फायदा इससे जो होगा वो हेजिंग वाले लोगों को होगा जो कि काफ़ी सारी पोजीशन अपने पास रखते हैं और रात को कोई न्यूज़ आ जाएगी तो वो निफ्टी या बैंक निफ्टी के अंदर अपनी पोजीशन को बढ़ा के या घटा के अपने को हेज कर सकते हैं। और नुकसान इसमें होगा जो आर्बिट्राजर्स हैं जो कैश के सामने फ्यूचर की पोजीशन लेते हैं। अब जब फ्यूचर मार्केट चल रही होगी लेकिन कैश मार्केट नहीं चल रही होगी तो उन आर्बिट्राजर्स को बहुत बड़ी दिक्कत आएगी, क्योंकि वो एक जगह पोजीशन लेंगे लेकिन दूसरी जगह पोजीशन नहीं ले पाएंगे, तो वो प्रॉब्लम उनको आने वाली है। और जो फायदा होगा वो एक्सचेंजेस को होगा क्योंकि उनकी कमाई बढ़ेगी, ब्रोकर्स को होगा, आप जब ज़्यादा ट्रेडिंग करेंगे तो कहीं ना कहीं उनके खाते में भी पैसे आएंगे। इसलिए ये एक डिसीजन को ऐसे सोच लेना कि सिर्फ नुकसान है या सिर्फ फायदा है गलत होगा। आने वाले दिनों में इसका डिसीजन जरूर निकलेगा कि ये कितना सही है हमारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में और कितना गलत है। लेकिन फिर अगेन वही बात कहूँगा, ये एक ना एक दिन होना था और होगा ज़रूर, और कहीं ना कहीं पूरी वर्ल्ड मार्केट की अलाइनमेंट के लिए ये होना ज़रूरी भी है। और जहाँ तक मैंने बताया आपको कि सेबी चाहती है कि छोटा जो ट्रेडर है वो मार्केट में डेरिवेटिव सेगमेंट में ना आए, या आपकी स्क्रीन पे एक खबर और आ रही है जिसमें से भी ये चाहती है कि वो रिटेल इन्वेस्टर के लिए डेरिवेटिव सेगमेंट में लिमिट लगाने के चक्कर में है,
यानी वो आपको बांधना चाहती है, जितनी आपकी वर्थ है, जितनी आपकी कैपिटल है उसको असेस किया जाएगा और आपको उसका एक सबूत देना पड़ेगा अपने ब्रोकर को कि मेरी ये नेटवर्थ है। आपको डेरिवेटिव सेगमेंट में काम करने के लिए उतनी ही लिमिट दी जाएगी। ये सेबी का अगला प्रपोजल है और ये साफ उस बात की तरफ इशारा करता है जो मैंने पहले भी कहा था, अभी भी कह रहा हूँ कि सेबी नहीं चाहती कि रिटेल इन्वेस्टर जिसके पास में छोटी कैपिटल है वो डेरिवेटिव सेगमेंट में आए, क्योंकि यहाँ पे खतरा दोस्तों बहुत ज़्यादा होता है। आपको लीवरेज मिलती है, आप एक पैसा देते हैं आपको पाँच पैसे का सामने माल मिल जाता है, लेकिन उसमें लॉस भी ज़्यादा होता है, वॉलेटिलिटी भी ज़्यादा होती है। तो जो छोटा ट्रेडर है जिसपे कैपिटल का साइज बहुत छोटा है वो लालच में फंस के एफ एंडो में पोजीशन ले तो लेता है लेकिन उसको संभाल नहीं पाता है और एक दिन एक स्टॉक कोई 5-7% टूट गया, उसकी सारी कैपिटल साफ हो जाती है और वो मार्केट से भाग जाता है। तो सेबी चाहती है इस तरह का जो ट्रेडर है, इस तरह का जो इन्वेस्टर है वो मार्केट से बाहर रहे या काम करे तो सिर्फ कैश सेगमेंट में करे और एफ एंड ओ में उतना ही काम करे जितनी उसकी नेटवर्थ है, यानी जितना लॉस वो सह सकता है। ऐसा ना हो कि कल को यहाँ उसे बहुत ज़्यादा लॉस हो जाए और जिसकी वजह से उसे अपनी बाकी ज़िंदगी में भी दिक्कत का सामना करना पड़े। तो दोस्तों जिस तरह से हमारी मार्केटें डेवलप हो रही हैं, आगे जा रही हैं, इस तरह के काफ़ी डिसीजन और भी आते रहेंगे। हम आप लोगों के साथ इस चैनल पे जुड़े हुए हैं, आने वाले दिनों में इसी तरह की और भी एनालिसिस करते रहेंगे, फ़ायदे नुकसान का हिसाब लगाते रहेंगे। लेकिन जैसी मैंने बताया आपको, मार्केटें डेवलप हो रही हैं, कुछ ना कुछ नया आता रहेगा। अभी अक्टूबर के बाद देखते हैं जब डेरिवेटिव सेगमेंट में ये शुरू होता है तो किस तरह का रिस्पॉन्स मिलता है, ब्रोकर क्या कहते हैं, क्योंकि ब्रोकर को भी बहुत दिक्कत आएगी, उनको एक टीम अलग से रखनी पड़ेगी जो कि शाम को बैठेगी आपके ट्रेडिंग का हिसाब किताब रखने के लिए, तो उनकी कॉस्ट भी बढ़ेगी। तो काफी तरफ से इसके अंदर बहुत सारी चीजें आएंगी, कुछ लोग कहेंगे ऐसा करो, कुछ लोग कहेंगे वैसा करो। अभी हम बीच में हैं, आने वाले दिनों में जब सारी चीजें खुल के सामने टेबल पे आ जाएंगी हम आपके लिए फिर वीडियो लेके आएंगे और बात करेंगे। तो मेरे उन दोस्तों को जवाब मिल गया होगा जो पूछ रहे थे कि सर हमें नुकसान होगा कि फायदा होगा। आप सोच लीजिए आप कौन से टाइप के ट्रेडर हैं, आपको नुकसान भी हो सकता है, फायदा भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि आप कौन हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, आने वाले दिनों में इसी तरह से खबरों का एनालिसिस आपके लिए लेकर आते रहेंगे। आपका कोई और सुझाव हो हमें दे सकते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, हमें इंस्पिरेशन मिलती है, मोटिवेशन मिलती है। नहीं अच्छा लगा डिसलाइक भी कर सकते हैं, हम आगे सुधार करने की कोशिश करेंगे। आपका अगर इस वीडियो से थोड़ा सा भी फायदा हुआ है इसे लोगों के साथ में शेयर कीजिए, आपके दोस्तों के साथ, हो सकता है उनको भी ये वीडियो अच्छा लगे और उनका भी फायदा हो। तो आज के लिए इतना ही, आने वाले दिनों में आपसे फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।